इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। महिला के बेडरूम में गला दबाकर हत्या, सोए सास ससुर को नहीं लगी भनक। हरदोई थाना कछौना क्षेत्र के अंतर्गत बालामोह का है, घर में सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कमरे में बिस्तर पर उसका शव पड़ा मिला। कमरे पर पहुंची सास ने बहू को मृत देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शोर मचाने के बाद सोए ससुर व आसपास के लोग दौड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बिखरा सामान और मौके की परिस्थितियां लूटपाट के बाद हत्या की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन पुलिस इसे रंजिश के साथ किसी खास का हाथ भी मान रही है। एसपी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। बहू के कमरे में पहुंची सास नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां की रहने वाली मिथिलेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र के साथ शुक्रवार शनिवार रात कमरे में सो रही थी। उनके ससुर सेवानिवृत्त लेखपाल रामवीर व सास गंगाघर से बाहर बने कमरे में सो रहे थे। शनिवार सुबह गंगा देवी बहू के कमरे में पहुंची तो बहू का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। महिला के ससुर ने पुलिस को घटना की सूचना दी। घर का सामान बिखरा पड़ा था जिसे लूटपाट के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्वजन ने बताया कि मिथिलेश कुमारी के पति का काफ़ी पहले निधन हो गया था। उनका एक पुत्र नीलेश ने 15 साल पहले जान दे दी थी। दूसरा पुत्र रितेश दुष्कर्म के आरोप में जेल में है। पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है और जल्द ही राजफाश करेगी। से 60 वर्ष है, वो अपने यहाँ घर में थी और उनका किसी ने गला दबाया है जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर फील्ड यूनिट के साथ पहुंची है और महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो परिजन है उनसे जानकारी की गई है तो कुछ बातें पता चली हैं कि इनके लड़के को कब से लगभग 4-5 महीने पहले बलात्कार के मुकदमे में जेल भेजा गया था और परिजनों का कहना है कि उससे संबंधित कुछ लोग हैं जो इनका जो जिनका हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। पुलिस इस बिंदु पे और अन्य बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके सारे साक्ष्य एकत्रित करके बहुत ही जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा और जो इसमें अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा जाएगा। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि घर वालों ने जो बात कही है वो थोड़ी उससे भिन्न है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पे जांच करेगी जैसे मैंने बताया, वो सारे बिंदु पे पुलिस जांच करेगी।